कि किसी को अगर समझना है तो उनका किरदार देखो, अगर किसी के बारे में समझना है तो उनका किरदार देखिए। हम सब इस भारत में जैसे फिल्म हम लोग बनाते हैं, हीरो हीरोइन सब 3 घंटे का फिल्म बनता है और 3 घंटे में वो आपको किरदार दिखाया जाता है कि फिल्म में हीरो कौन है, विलन कौन है, और 3 घंटे में आपको समझ में आ जाता है। आलोक पटेल जी के पापा हैं संजय प्रसाद सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर उपस्थित हैं। और आज विशेष जो कार्यक्रम हुआ, हमारे युवा नेता आलोक पटेल जी के नेतृत्व में पार्टी में सैकड़ों लोगों को पार्टी ज्वाइन किए हैं और पार्टी में मजबूती से पार्टी में काम करेंगे, निर्णय लिए हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इसी तरीके से जिला में पहले अपने आप को मजबूत हो जाए, जिनको प्रदेश की भी नेतृत्व दिया जाएगा ताकि वो पटना में रहकर पार्टी को मजबूती से काम कर सके। इनके साथ जो आज पार्टी में सदस्य लिए हैं, विद्यामा प्रसाद जी, ओम प्रकाश पटेल जी, डॉक्टर राजेश कुमार पटेल जी, राजेश कुमार सिन्हा जी, अमन कुमार जी, विजय शर्मा जी, दुर्गेश तिवारी जी, मंटू कुमार चौहान जी, सोनू महतो जी, शशिकांत पटेल जी, मोहित पटेल जी, प्रिंस सिंह जी, दिव्यांशु जी, राजकिशोर कुशवाहा जी, राजकिशोर दुबे जी, रामाधार प्रसाद जी, अभेश किशोर कुशवाहा जी, यतीम यादव जी, दिनेश कुशवाहा जी, भूपुन राज सहनी जी, दीपक बिंद जी, नागेंद्र बिंद जी, प्रमोद बिंद जी, सत्येंद्र कुमार महतो जी, भीम प्रसाद जी, जितेंद्र कुमार जी, अभिषेक जी, अनुपम ठाकुर जी, आलोक पटेल जी के पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपने पार्टी का सदस्यता लिया है, पार्टी को विचारधारा को अपने अपनाया है। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने एक लाइन उन्होंने कहा कि किसी को अगर समझना है तो उनका किरदार देखो, अगर किसी के बारे में समझना है तो उनका किरदार देखिए। हम सब इस भारत में जैसे फिल्म हम लोग बनाते हैं, हीरो हीरोइन सब 3 घंटे का फिल्म बनता है और 3 घंटे में वो आपको किरदार दिखाया जाता है कि फिल्म में हीरो कौन है, विलन कौन है, और 3 घंटे में आपको समझ में आ जाता है। उसी तरीके से हर एक इंसान जन्म काल से लेकर मृत्यु काल तक इस संसार में एक किरदार निभाता है और उस किरदार में बड़ा समय लगता है और उसी समय में आपको दिखेगा कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है। और जब उनका किरदार आप समझ में आ जाएगा तो आप उसको भगवान का रूप दीजिएगा, अगर किरदार समझ में आएगा तो उसको शैतान का रूप दीजिएगा, किरदार समझ में आ गया तो बाबा साहब अंबेडकर आप कहिएगा और किरदार समझ में आ गया तो आप रावण कहिएगा। उसी तरीके से हर व्यक्ति का किरदार है, मेरी भी किरदार है। मैंने गरीब घर में जन्म लिया जहाँ पे पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, और आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद बचपन कितना अभाव में बीतता है। और मैंने 18 साल में अपने घर परिवार अपने लोगों को छोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने घर से बाहर निकल गया, मुंबई जैसे शहर में। वहाँ पे मैं गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। मैंने नज़दीक से देखा है गरीबी क्या चीज़ है। आप जब 30 रुपया कमाएंगे रोज तो आपको समझ में आएगा कि आप खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या। और मैंने गरीबी नज़दीक से देखा और गरीबी को जिया, उसके बाद मेहनत, लगन, ईमानदारी और आप लोगों का आशीर्वाद से एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, एक बेहतर उपलब्धि हमने हासिल कर लिया, वो भी अपने गांव से 2000 किलोमीटर दूर जाकर। मुंबई जैसे शहर में मैंने झंडा गाड़ दिया और बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैं बिहार जब लौट के आता हूँ तो मैं देखता हूँ
कि हमारे अपने लोग बहुत पीछे रह गया। मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ, लेकिन हमारा जो गरीब समाज है, पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, निशा समाज है, वो बहुत पीछे रह गया। और तब मैं उनके हक अधिकार के लिए मैं 2014 से लगातार संघर्ष करता हूँ और 4 साल तक लगातार कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ घूमते रहा, उनको बताते रहा कि ये समाज का समस्या है। जब चुनाव आता था तो मानते थे कि ये समस्या आपका है और इसको हम दूर करेंगे, और जब चुनाव निकल जाता था तो भूल जाता था कि निशान समाज का भी कोई समस्या है। फिर मुझे लगा कि जो काम उनको कह रहे हैं करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह पहुंचने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। अब वोट हमारे पास है और बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वोट का ताकत दिया है, चाहे वो मछली मारने वाला हो या गाय भैंस चलाने वाला हो या किसी जगह मजदूरी करने वाला हो या देश का प्रधानमंत्री हो या रतन टाटा अंबानी हो, सबका वोट का वैल्यू एक ही है। अब वोट हमारे पास है और हम उनके पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर ये काम कर दीजिए। हमने 7 दिन तक पटना में हमने आमरण अनशन किया कि समाज का समस्या को दूर कर दीजिए, और कोई पूछने के लिए नहीं है सरकार। और फिर मैं उसी जगह अपने आप को सोचा कि नहीं, अभी हमारे पास खुद के हाथ में पावर लेने की आवश्यकता है। वोट तो पहले से है, अब वोट के दम पर पावर आता है। और 2017 में मैंने सोचा और 2018 में हमने ताकत दिखाया। 5 लाख निषाद को पटना में बुलाकर, गांधी मैदान में रैली कर और सबके सहमति से एक विकासशील इंसान पार्टी का नाम का घोषणा किया। और 2018 में नवंबर में पार्टी बनाया और हमारी ताकत को देखकर दिसंबर में लालू जी ने हाथ बढ़ा के गठबंधन किया। हमने गठबंधन में 2019 में चुनाव लड़ा, सफलता प्राप्त नहीं हुआ, हम चुनाव हार गए, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। फिर मैंने मैदान में आया और 2020 तक आते आते फिर मजबूती से मैं खड़ा हुआ। और आपने देखा कि जहां हम पहले से गठबंधन में थे वहां पे किस तरीके से हमारे साथ गलत किया। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।